नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बस डिपो पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। रोडवेज यूनियन के प्रधान रविंद्र नगर ने बताया कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी हरियाणा रोडवेज की बल्लभगढ़ डिपो से सभी बसें बंद हैं। प्रधान का कहना है कि सरकार ने उनकी 2018 से मांगों को पूरा नहीं किया, जिसको लेकर वक्त वक्त पर सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। आज हरियाणा रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार अभी भी उन सभी मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऐसे ही बसों को बंद कर पड़ताल की जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ रोडवेज की पूरे हरियाणा में पूरी सफल हड़ताल रही है और हमने जो हमारा लक्ष्य था वो हमारा पूरा है। मैं पर एक बात कहना चाहूँगा हरियाणा की जनता से और फरीदाबाद की जनता से, जो उनको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। पर बाकी हम चाहते हैं अगली व्यवस्था को कैसे सुधार जाए। किलोमीटर की जो बसें हैं वो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। हम चाहते हैं रोडवेज के बेड़े में नई बसें आ जाए। अगर 14,000 बसें आएंगी तो रोडवेज के लोगों को, आम जनता को रोजगार भी मिलेगा और रोडवेज जो बेहतर सुविधा देती है जनता को, वो आगे चल के आम जनता तक सुविधा दे पाएगी। अगला कदम जो हमारे शीर्षक नेता लेंगे वो यही नहीं होगा, पूरे हरियाणा में ये तय करेंगे। अगर सरकार बुला के बातचीत करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो अगला जो निर्णायक फैसले होंगे। देखो, हमारी हड़ताल तो इस डिपो की बात करें तो 100% सफल है। अगर कोई बदमाशी करके बाहर से बाहर बस को चलवा रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम तो इस डिपो से कोई बस, एक भी बस बाहर नहीं गई। और सिर्फ इस डिपो की बात नहीं है, आप नगर निगम पर देखें जाकर, नगर निगम में पूरी तरह से ताला बंद है। बिजली के 70% से ज़्यादा कर्मचारी काम पे नहीं है और जो अगर बिजली बंद हो गई तो उसको चालू करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एसेंशियल सर्विस में होने के नाते जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरह से चालू रखा है। स्वास्थ्य का है, उसको हमने पूरी तरह से चालू रखा हुआ है। बाकी विभाग है, कोई बिजली बंद हो जाती है तो उसको चालू करने वाला कोई क्या मानते हैं। ऐसा है, 2018 में यहाँ इसी बात को लेकर हड़ताल हुई थी कि सरकार किलोमीटर स्कीम पे लागू करने वाली थी और दूसरा पूरी तरह से बसों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कर रही थी। यहाँ लगातार 18 दिन हड़ताल चली और सरकार ने माना कि वाकई में कुछ घपला है, इस पर हम विचार करेंगे। और ये हाई कोर्ट में सरकार चली गई, हाई कोर्ट से भी इनको फटकार लगी और लगभग 700 करोड़ का घपला उसमें इनको नज़र आया। लेकिन इसको ड्रॉप करके बीच में इन्होंने, जब ये दोबारा इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, तो इन्होंने फिर अब इस स्कीम को लागू किया है। और ये स्कीम भी इतनी बढ़िया नहीं है, ये कहते हैं जनता की मांग है। हम कह रहे हैं जनता कोई मांग ही नहीं है। जनता की मांग क्यों होगी? जनता की मांग तो है कि हमारे घर से अगर बस चले या डिपो से बस चले और ठीक अगर वहाँ ये जाती है चंडीगढ़, तो सरकारी बस का एक टाइम है कि यहाँ से 9 बजे चलेगी तो वहाँ 11 बजे 12 बजे जो भी निर्धारित टाइम होगा चंडीगढ़ जरूर पहुँचेगी। लेकिन प्राइवेट बस जब तक यहाँ से भर नहीं जाएगी अब तक वो चलेगी नहीं। अगर सरकार अभी उन मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऐसे ही बसों को बंद कर हड़ताल की जाएगी। पानीपत कब से बैठे हुए आप? हो गए 8 बजे, पापा के साथ आए। क्या आपको पता नहीं था कि बस की हड़ताल है 2 दिन की? नहीं। तो आप कैसे जाओगे घर, ताले बसों की? तो अभी तो कोई कुछ पता नहीं है। क्या प्राइवेट साधन नहीं है कोई? पता नहीं। बच्चे को लेकर बैठे हुए परेशानी हो रही है? और क्या, परेशानी तो हो ही रही है, बच्चों को भी होगी। क्या करोगे बाद में, कैसे घर तक जाओगे? क्या करेंगे, वापिस जाएंगे, फिर देखेंगे कल। देखेंगे फिर दोबारा आएंगे। और क्या, फिर पैसे खर्च करेंगे। क्या नाम आपका? शीतल प्रसाद। कहाँ बैठे हुए फिलहाल अभी आप? बल्लमगढ़। कहाँ जाना है आपको? पानीपत। हमको पता नहीं था। आप पहुँचे हो तो कैसे जाओगे घर तक? कोई बहाना ही नहीं है।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।